तो ये 2021 का मॉडल पेपर है, जो इसका सीरीज़ है वो 246XS है, फिजिक्स का है, क्लास 12th का। तो आइए इसमें देखते हैं कि पेपर आया कैसे है, कुछ सॉल्यूशन ट्रिक्स भी सीखते हैं इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वही है, इसके पांच पार्ट हैं, ये हम देख रहे हैं। हमने अपनी पहली वाली वीडियो में फिजिक्स के लिए इसमें बताया भी था कि इसको पाँच पार्ट में बांटा जाएगा, जो कि आ बा सा दा और या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा गया है, बहुत ही आसान है। तो इसका मात्रक थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके आगे है, 24 ओम प्रतिरोध को तार को एक संभाव त्रिभुज कैसा होता है जिसके तीनों जो भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं। तो एक आठ इधर हो जाएगा, एक आठ इधर हो जाएगा, आठ इधर हो जाएगा, और तीनों को मोड़ा गया है, तो बता जा रहा है उसका जो है प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। बहुत ही आसान, देखो ये दोनों जो हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये हो जाएगा 16, यानी कुछ ऐसा ये हो जाएगा 16, और एक नीचे वाला हो जाएगा 8। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो फिर ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/8। दोनों को सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा कितना है? इधर कर लेता हूँ मैं, 8 प्लस 16, और नीचे हो जाएगा 16 × 8, और ये हो जाएगा 16 × 8 = 24, और नीचे हो जाएगा 16 × 8, 8 × 3 = 24, और फिर इसको प्लट दो तो हो जाएगा 16/3। तो यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, ये वाला 16/3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आसान से क्वेश्चन थे एकदम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग के। सेक्शन बी हमारा जो है, हमने जो वीडियो बना रखी थी, हमने उसमें बताया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के लिए, क्लास 12th के लिए। उस पर उसने उसको जिसने भी देखा होगा, पूरा पूरा पेपर उसी से एकदम फंस गया है। देखिए यहाँ पे अवतलन के लिए देती है फोकस की परिभाषा, बिल्कुल छोटा सा है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए औसतन आयु और धारायु में संबंध, हमने बताया था उस वीडियो में कि संबंध कभी पूछे या व्यंजक पूछे तो छोटे वाले में इसका एक ही मतलब होता है, कि आपको फार्मूला लिखना होता है। आप अभी से इसको नोट कर लीजिए कि आपको फार्मूला लिखना था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था ये इसका फार्मूला लिखना। और ये देखिए यहाँ पे प्रकाश विद्युत पर फलन का अर्थ समझाइए, यानी कि वर्क फंक्शन। ये वही चीज़ थी जब कोई भी लाइट सनरेज जब किसी भी मेटल पर आके पड़ती थी, सपोज दैट यहाँ सनरेज है और यहाँ से लाइट आके पड़ती थी इस पर, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो निकलते थे, तो ये जो यहाँ से एनर्जी आती थी, जो फ्रीक्वेंसी आती थी, वो फ्रीक्वेंसी इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो वर्क करती थी, उसी वर्क को बोला जाता है कार्य फलन, ठीक है। ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी वो बिल्कुल आसानी से कर गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था बिल्कुल। सेक्शन सी, सेक्शन सी देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे फार्मूले लिखने हैं, दो दो मार्क्स के हैं, ठीक है, दो दो मार्क्स के हैं, ये फार्मूले लिखने हैं हम लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिंस का कोण और बेटलन कोण बराबर हो तो प्रिंस का अपवर्तनांक कितना होगा। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, लैम्डा एन माइनस वन, ठीक है, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, इसमें ये गेट है, नॉर गेट है, हमने नॉर गेट को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन भी किया था अपनी वीडियो में, जिस किसी ने वीडियो देखी होगी बिल्कुल आसानी से इसको कर लिया होगा, उसमें कुछ नहीं है। सतत सारणी भी मैंने बताई हुई है, तो मेरी वीडियो जो थी उसमें एकदम कंफर्म ये मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में 100% श्योर आने वाला ही है। जिस किसी ने भी फॉलो किया होगा वो अच्छे से कर पाया होगा। और आगे आने वाली देखिए, ये देखिए हाइगंस का मैंने नाम लिया था, हाइगंस आया हुआ है बिल्कुल कंफर्म। यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सब का क्वेश्चन को मैंने एक दिन पहले मैंने टिक किया था, सारे क्वेश्चन लाइन्स आए हुए हैं। ये देखिए ये भी आया हुआ है, किरचॉफ भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप हुआ है, ये नहीं आया हुआ है, बट इसके आगे देखिए ये आया हुआ है और ये पाया हुआ है, ये आया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। हमने इनका नाम लिया था एक दिन पहले, हमने सब बच्चों को बताया था टिक करके कि ये सब पढ़ लो, ये सारे के सारे लाइन से आ गए हैं। ओके, और सेक्शन डी की अगर बात करें तो सेक्शन डी में भी सारे क्वेश्चन एक लाइन से आए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, यंग ड्यूसलेट की मैंने बात की थी, रेडियो एक्टिव की मैंने बात की थी, ये सारी क्वेश्चन एक लाइन से आ गए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि अनफेमिलियर हो, जो हमारे बताए के अकॉर्डिंग ना आया हो। तो जिसने भी मेरी वीडियो फॉलो की होगी वो अच्छे से कर पाया होगा, मैक्सिमम नंबर 90+ वो कर पाया होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे ट्रांसफार्मर आया हुआ है,
मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बार बार बोला था कि ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका फिगर बना लीजिए और उसका जो है रिवर्स ऑफ बायसिंग ये सब पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए पूरा पूरा आ गया है, पूरे पूरे 5 मार्क्स का था, तो जिसने भी पढ़ा होगा आराम से कर पाया होगा। तो देखिए ये है कि ये तो हमारा 2020 का था, बाकी मेरा टारगेट 2021 का भी है। अगर जो भी फॉलो करेगा मेरी वीडियोस को तो गारंटेड है कि 90+ आराम से बिल्कुल लाएगा लास्ट डेज में। अगर वो 5 दिन भी फोकस कर लेता है तब भी 90+ ले आएगा।